जो अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चला गई थी अभी भी उसके निशान देखने को मिल रहे हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? सिमरन। सिमरन कहाँ से आप हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? हाँ, यहाँ फर्स्ट टाइम है, वैसे तो आते रहते हैं अपन। अभी जस्ट आपके पीछे दीवारों पर अभी भी गोलियों के निशान है और खुद आपने अपनी आंखों से देखा और भी आप घूम ही रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? कुछ नहीं, ये गोलियों का निशान देख के वो पेन या फील कर रहे हैं कि उन्होंने कितना पेन लिया है, कितना हुआ है, गलत उनके दृश्य आंखों के सामने ऐसा लग रहा है सब कुछ सामने ही है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये कैसा हुआ होगा और कैसे बता रहे हैं कि उसको कैसे टापा होगा, बच्चे कैसे बंदे टाप टाप के गए होंगे, यहाँ से बच्चे ही नहीं होंगे, तो जीवित नहीं बचे, एक भी जीवित नहीं बचा था। तो बहुत जनरल डायर ने बहुत जुल्म किया था। एक शिकायत भी हमारा, आप इतना नजदीक दिल्ली से रह कर आप पहली बार क्यों आ रहे हैं? हम लोग बिहार से आ गए देखने। हम ऐसे तो बहुत बार आए हैं बच्चे को लेके, बच्चे को दिखाने के लिए, जब हम छोटे थे तो आए हैं, उसके बाद अब बच्चे को लेके अब आए हैं। अमृतसर तो हम हर साल हमारा लगता ही है। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप तो एकदम पूरी तरह से यहाँ के एकदम लुक में है, क्या कहना चाहिए? मतलब क्या दृश्य आपके सामने, याद करके कैसा लग रहा है दृश्य आपके सामने है? ये देख के क्या सीन हुआ होगा जब इस तरह से गोलियां बरसाई जा रही होगी? वो आपको कुछ आप यहीं देख के समझ सकते हैं क्या सीन हुआ होगा। अपनी जान बचा रहे हैं लोग, जान बचाते हैं बस, अंग्रेजों की गोली से ना मरे तो वो अपने कुएं में कूदे हैं। वो बस उनको ये था कि हम अंग्रेजों की गोली से ना मरे, वो कुएं में कूदना ज्यादा पसंद करे, वो कुएं में कूद जाए, बच सके तो बचे, इन तो कोई बात नहीं। कुएं जो हुआ बहुत बुरा हुआ। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? क्या हरनेक सिंह। इसके बारे में पढ़े हो किताब में? नहीं, नहीं पढ़े हो, फर्स्ट टाइम मतलब डायरेक्ट आंखों से देख रहे हो, लगे इसके बाद पढ़ाई करोगे? उधम सिंह का नाम सुने हो? अभी समझा रहे थे। उधम सिंह ही जाके इन लोग का बदला लिए थे, जितने भी दिख रहे हैं छेद दीवार में, उधम सिंह जी ने जाके इसका बदला लिया था वहाँ पे कोर्ट में। चलिए, सभी लोग यहाँ आते रहते हैं घूमते फिरते, थैंक यू मैम। और ये जो आप गोलियों को निशान देख रहे हैं, आप इस निशान से ही समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक वो समय रहा होगा, कितना लोग उस समय करा रहे होंगे, पीड़ा पीड़ा से जूझ रहे होंगे। जिस तरह से गोलियां जब चलाई गई थी उस समय की गोलियां, कि जब दीवार में छेद कर दिया गया था।